विज्ञापन छपवाने वाले और खुद के पोस्टर लगवाने में उस्ताद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर फटकार लगाई। दरअसल यह मामला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण से जुड़ा है। आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ही इसके निर्माण के लिए फंड्स नहीं होने का बहाना बनाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स को लेकर केजरीवाल सरकार को ही घेर लिया। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए पिछले 3 वित्तीय सालों में विज्ञापनों पर हुए खर्च का ब्यौरा तक मांग लिया। बता दें कि दिल्ली में RRTS के निर्माण से दिल्ली का राजस्थान और हरियाणा से सड़क मार्ग से संपर्क आसान हो जाता, हालांकि इसके लिए दिल्ली सरकार ने फंड्स मुहैया नहीं कराए। इस पर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा, आप चाहते हैं कि हम जाने कि आपने कौन सी राशि कहां खर्च की। विज्ञापनों पर जो पैसा खर्च करते हैं वो सारी धनराशि इस परियोजना के लिए खर्च की जाएगी। आप इस तरह का आदेश चाहते हैं, क्या आप ऐसा चाहते हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह 2 हफ्ते के अंदर विज्ञापनों पर खर्च की जानकारी एफिडेविट के साथ मुहैया कराए। आप सोचिए, जो केजरी दुनिया भर को कहता है कि इतना पैसा है कि सब फ्री में दे रहे हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के लिए इनके पास पैसे नहीं है। RRTS प्रोजेक्ट पर खर्चा, इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 30,274 करोड़ रुपए है, जिसमें से दिल्ली सरकार को सिर्फ 1180 करोड़ रुपए देने हैं, जिसमें से केजरीवाल सरकार को 415 करोड़ रुपए देने बाकी हैं। यही नहीं, केजरीवाल सरकारी पैसों को अपनी पार्टी के विज्ञापनों पर भी उड़ाता है। दरअसल केजरीवाल पर राजनीति विज्ञापनों में सरकारी पैसों के दुरुपयोग के आरोप में 97 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस जारी हुआ है, जो पेनल्टी और ब्याज के बाद बढ़कर 163 करोड़ रुपए हो गया। केजरीवाल अपना शीश महल बनाने के लिए 48 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, लेकिन दिल्ली के विकास के लिए इसके पास पैसे नहीं है। भ्रष्टाचार करने के बाद केजरीवाल के पास मनीष सिसोदिया के वकीलों की फीस देने के पैसे हैं, लेकिन दिल्ली के विकास के लिए फंड नहीं है। फ्री रेवड़ी और विज्ञापनों के सहारे राजनीति करने वाला केजरी विकास का धुर विरोधी है, क्योंकि इसके पास विज्ञापनों और खुद का घर चमकाने के लिए पैसे हैं, लेकिन दिल्ली के विकास के लिए फंड नहीं है।